सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। आज का मेरा जो वीडियो है बकरों पर तो नहीं है, बट हाँ कुछ डिस्कशन है रिगार्डिंग के बकरों के रेट्स ऑफ सीज़न इतने बढ़ क्यों जाते हैं, एंड जो ईद का जो टाइम आता है तभी अचानक से इतने लो कॉस्ट पे चले जाते हैं कि लोगों को नुकसान में बेचने पड़ते हैं। सो मैंने एक पोल कंडक्ट किया था फेसबुक पर रिगार्डिंग बकरेबाजी या फिर बकरों का मार्केट या रेट ख़राब क्यों होता जा रहा है। सो दीज वर दी रिप्लाइज फ्रॉम बोथ कस्टमर्स एज वेल एज दी फार्म ओनर्स या फिर जो है गोट सेलर्स। लेट्स टेक अ क्विक लुक। दीज वर द फ्यू कमेंट्स अमंगस्ट मैनी, एंड द मोस्ट रीजन दैट आई गॉट फॉर द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गोड्स वर यूट्यूबर्स एंड दलाल्स लाइक एजेंट्स लाइक यूट्यूबर्स। इसके लिए क्योंकि उन्होंने कोई मार्केट नहीं छोड़ा है, हर जगह लाइक इन एवरी नुक्स एंड कॉर्नर्स वो लोग गए, रेट ओपन करे, जिनसे जो है अंदर व्यापारी जो है जंगल के उनको भी बहुत हुआ है फ़ायदा, बट उन्होंने भी अपनी प्राइस बढ़ा दिए, क्योंकि जब तक के इनके पास कोई अप्रोच नहीं किया था तब तक इतने रेट्स नहीं थे टू बी फ्रैंक। एंड अभी जो उनका हाल है, जो बच्चे हम लोग को 6-7 हज़ार रुपये में मिलते थे वो आज की तारीख में 12,000, 13,000, 15,000 ये रेट से आ रहे हैं। सो आई गेस इसमें यूट्यूबर्स का भी कुछ हद तक हाथ है, क्योंकि अगर वो बकरे कवर कर ही रहे हैं तो वाई नॉट कवर दी फार्म्स विच आर लोकेटेड इन मुंबई, पुणे या भोपाल में भी जा रहे हो तो जाओ, मगर जो प्रॉपर फार्म्स है वहाँ जाओ ताकि उनको रीसेल करने में हेल्प मिले। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दी जंगल, आप जंगल में जा रहे हो तो उससे कुछ हो नहीं रहा, खाली प्राइस बढ़ रहा है। जो जो आप फार्म से लेते हो जितने में 12,000-15,000 रुपये का एक बच्चा, वही प्राइस से तो आप जंगल से उठा रहे हो, तो आप जंगल से क्यों ले रहे हो डायरेक्टली। एंड फिर जो आता है कि भाई प्राइस बढ़ गए बकरों के, तो इसमें यूट्यूबर्स का ही फॉल्ट है कि वो जंगल जंगल जाकर डायरेक्टली व्यापारियों का नंबर डाल रहे हैं, तो इसमें यूट्यूबर्स का भी फॉल्ट है। बट हाँ, यूट्यूबर्स की वजह से काफ़ी अननोन फार्म्स जो है वो लाइट में भी आए हुए हैं, जो हम नहीं जानते थे वो फार्म्स का हम लोग को पता चला है, एंड उनसे काफ़ी बेनिफिट भी मिल रहा है, उनके रिजल्ट्स वगैरह जो है बहुत अच्छे मिल रहे पब्लिक के हिसाब से। एंड फिर भी यूट्यूबर जो है थोड़ा खुद को कंट्रोल करना चाहिए कि वो जंगल जंगल में ना जाए एंड फार्म जंगल के जो फार्म्स हैं वहाँ के नंबर डायरेक्टली ना डाले या रेट ओपन ना करे। सो आइए, जो रीजंस जो है पर्सनली जो मुझे लगा कि हाँ ये रीजंस है जेन्युइन वाले हैं, उन पे भी एक लुक्स डालते हैं। तो गाइस, आफ्टर दिस पोस्ट व्हाट द मेजॉरिटी पीपल सेज, जो रियलाइज़ हुआ है कि 3 मेन रीजंस है जिसकी वजह से ना जो मार्केट का जो रेट ख़राब हुआ है उसके लिए सिर्फ 3 रीज़न है। एक जो है यूट्यूबर्स जो जंगल जंगल जाकर रेट खोल रहे हैं एंड मार्केट ख़राब कर रहे हैं। सेकेंड रीज़न जो है वो बता गया है एजेंट्स, मगर मेरे हिसाब से एजेंट्स जो है, अगर एजेंट्स नहीं रहेंगे, एजेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग को एक बच्चा 8,000 रुपये में दिला रहे हैं अपना 1,000-1,500 रुपया रखकर, तो अगर वही हम डायरेक्ट जा रहे हैं तो वही बच्चा हम लोग को जंगल से मिलेगा 10,000-12,000, जहाँ हमारा और पैसा जा रहा है। तो इंस्टेड
क्यों ना एजेंट्स को ही 500,000 रुपया देकर हमारे जो ऊपर के जो 2,000 रुपये जा रहे हैं, हम लोग को 8,000 में मिल रहा है बच्चा और जो जंगल से 10,000 में मिल रहा है, तो हमारे 2,000 रुपये बच रहे हैं। तो एजेंसीज ओके, मतलब उनसे तो कुछ इतना है नहीं। और थर्ड जो है, नए नए शौक वाले बंदे हैं जिनके पास जो पैसा है या नहीं भी है, जो शौक है और अंधाधुंध कीमत पर जानवर ले रहे हैं, उनकी वजह से रेट ख़राब हो रहा है। जो मैंने मोस्टली जो कमेंट्स है वो यही है, यूट्यूबर्स अंधाधुंध पैसों में बकरे लेने वाले, और थर्ड है एजेंट्स। सो गाइस, व्यूअर्स कस्टमर्स जो लेते हैं, जो पलाई के शौक करते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई फार्म से जो है वहीं से लो, डायरेक्टली जंगल में मत जाओ, क्योंकि पैसे के भी अटकने का डर रहता है कि पैसे खा गया बंदा, बकरा नहीं भेजा ये वो। तो इंस्टेड व्हाई नॉट प्रिफर जो हमारे आसपास जो एजेंट्स हैं जिनको आप पहचानते हो बकरों की लाइन में, उन्हीं से आप बकरे लो, भले ही 7,000 की चीज़ 7,500 में पड़ रही है, कम से कम सेफ्टी रहेगी। नहीं तो तुम वही बच्चा 10,000 रुपये डायरेक्टली लोगे और अल्लाह ना करे आपके वो पैसे भी चले जाए और बकरा भी ना मिले। सो गाइस, कम्प्लीटली ये यूट्यूबर्स की या इनकी भी फॉल्ट नहीं है, जो खरीदते हैं जानवर उन्हें भी सोच समझ कर खरीदी करनी चाहिए। सो गाइस, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मैं भी प्रिफर करूँगा कस्टमर रिव्यूज़ वगैरह, जिनसे जो लेते हैं ऑफ सीज़न भी उनको थोड़ी हेल्प मिले कैसा क्या करना चाहिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द कॉन्टेंट। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, अल्लाह हाफिज़।